नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 टेस्ट नंबर है 8 और इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य है आपको पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि 27 अक्टूबर 2024 को है उस परीक्षा तक कम से कम ऐसे इतने प्रश्न करा देना कि 70% या 70 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में मिल जाए। इस पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज में आपको करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, करंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे और जो जीएस के बेस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। तो पूरी की पूरी आपकी टेस्ट सीरीज है, डेली आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपके आसपास आपको मिलेंगे। आज जो है वो आपका 30 क्वेश्चंस हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो केपी शर्मा ओली को नियुक्त किया है। ये आज के ही करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया है नेक्सस जीएस की तरफ से। डेली करंट अफेयर्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रोवाइड किया जाता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार बंसल को नियुक्त किया गया है। किस टीम ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिकी खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप में कोलंबिया को हराकर अपने रिकॉर्ड 16वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, अमित शाह जी जो माननीय गृह मंत्री हैं और इन्होंने किस राज्य में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में किया। नेक्स्ट है, किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जो है अपने नाम पे किया है। मे बी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिखाई पड़ जाए 27 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है किसके द्वारा? तो भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का जो सृजन है या समाप्ति की जा सकती है किसके द्वारा की जा सकती है? ये तो ये की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो आर्टिकल 143 अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति को। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए, कितने दिनों में भर दिया जाना चाहिए? तो ये भर दिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक भारत के राष्ट्रपति संबंधित विवरण है। इसमें आर्टिकल 62 राष्ट्रपति की रिक्तियां भरने से संबंधित है और इस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए उस पद पर रहने के पूर्व में ही चुनाव कराया जाएगा। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग आदि से आकस्मिकता रिक्ति होती है तो 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। खैर, 6 महीने। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, डी ऑप्शन सही होगा। नीचे दिए गए घटनाओं का सही कालानुक्रम कूट से ज्ञात करिए। तो जैसे अगर आपको याद होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 का है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात करें 1940 का है, क्रिप्स मिशन के बारे में बात करें 1942 का है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करें तो 8 अगस्त 1942 का है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही हो जाएगा, 1, 2, 4, 3। अतिवादियों तथा उतारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट जो थी वो आपका प्रमुख शिल्पी के रूप में उन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट है, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची में आपका कह सकते हैं कि मिलान करना है। तो अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनल पार्टी, इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त जो संगठन है उनका चयन करना है। तो क्रांतिकारी जो गतिविधियों में लिप्त था, पहला तो अनुशीलन समिति है, ठीक है, और अभिनव भारत भी आपका इसमें आता है। तो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, मतलब 1 और 2, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरम्भ किया था? तो मराठी पाक्षिक
अभिनव जो भारत है, बहिष्कृत भारत है, वो किसने आरंभ किया था? भीमराव अंबेडकर साहब ने। देखिए एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं वो प्रश्न आपको नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि आपको बताया जा रहा है ये चीज़ बार बार कि ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशंस में मिलेंगे, डायरेक्टली मिलेंगे, ठीक है। इसी वजह से ये सीरीज़ कराई जा रही, कम से कम 70 क्वेश्चन आपको इस डायरेक्ट इस सीरीज से मिल जाएं। और करंट अफेयर्स के भी इसी वजह से डेली आपके प्रश्न कराए जा रहे हैं कि करंट अफेयर्स के भी प्रश्न आपको मिल जाएं डेली। आपको जो नेक्सस जीएस की तरफ से टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है, करीब 10 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में 3 से 4 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ वही आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। तो कॉमनवेल्थ है और न्यू इंडिया है, तो दोनों ही सही हो गए फिलहाल, 1 और 2 आपका सही होगा, मतलब ए ऑप्शन सही होगा। गदर आंदोलन की स्थापना की थी, तो गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? देखिए, लाला लाजपत राय पंजाब के एक महान बुद्धिजीवी तथा प्रचंड विद्वान थे, या क्रांतिकारी भी कह सकते हैं, वही गदर आंदोलन के प्राण भी थे। सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल का गठन हुआ था 1913 में। इन्होंने गुरुमुखी भाषा में गदर नामक एक पत्रिका के लिए जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया था। लाला हरदयाल से प्रेरणा लेकर सोहन सिंह भाखना ने 1913 में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। तो गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? तो भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत की उद्घोषणा करने वाले भारत के जो वयोवृद्ध नेता थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, और ये 1892 से 95 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, पूना पैक्ट हुआ कब था? 26 सितंबर 1932 की बात है, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, मतलब पूना पैक्ट हुआ। इसके अनुसार दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इसके तहत केंद्रीय असेंबली में आरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि हो गई। तो गांधी जी अंबेडकर के मध्य हुई, डी ऑप्शन सही हो। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया था, तो भारत में द्वैत शासन किसने प्रारंभ किया था? मैंटफोर्ट सुधारों से प्रारंभ किया गया था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? तो पुर्तगालियों ने बंगाल में सबसे पहले फैक्ट्री स्थापना हुगली नामक स्थान पर की थी। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया, उसके बाद अल्बुकर्क जो है वायसराय बन के आया, इसके पश्चात आपका नूनो डी किन्वा वायसराय बना, जिसे सैन थोमा मद्रास हुगली बंगाल और दीव काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। बंगाल के चीनसुरा और श्रीरामपुर में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की थी, सी ऑप्शन सही होगा, हुगली। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो कौन था वो? शाह आलम द्वितीय था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? शाह आलम द्वितीय था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, किस चीज़ के विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन आयोग के बहिष्कार का जो मुख्य कारण था वो सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे। अच्छा, आपको बताना है कि किसके कहने पर यह किया गया था कि साइमन कमीशन में कोई भी व्यक्ति भारतीय ना हो, सभी सदस्य अंग्रेज रहे, तो किसके कहने पर ऐसा किया गया था ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा है? तो जैन धर्म है वो। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सभी को पता है सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो ये आपका सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है उसको इंगित कीजिए, तो बाज बहादुर मालवा सही है, कुतुब शाह गोलकुंडा सही है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात सही है, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये आपका गलत है। अहमदनगर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मलिक अहमद ने 1490 में
स्वतंत्र अहमदनगर की स्थापना की थी। करीब 1494 में अहमदनगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। अहमदनगर के इतिहास में 1595-96 का वर्ष चांद बीबी और मलिक अंबर की सैनिक प्रशासनिक कुशलता के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजय किया था वो कौन थे? तो वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये आज के थे 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस, और इन 30 क्वेश्चंस में आपको कितने आ रहे हैं, कितने आपके सही हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें आपके करंट अफेयर्स के भी ऑलमोस्ट आपका 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की भी तैयारी लगातार होती रहे। और करंट के प्रश्न हो या फिर आपका जीएस के प्रश्न हो, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को दिया जाएगा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।